हेलो दोस्तों, मैं रईस खान एक बार फिर से अपने YouTube चैनल वॉइस ऑफ रईस में एक अपना नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। कुछ दिनों से मेरा वीडियो अपलोड नहीं हुआ था किसी वजह से, लेकिन अभी मेरे वीडियोस कंटिन्यू अपलोड होते रहेंगे और आप उसमें से कुछ अच्छा सीखते रहेंगे। तो आज मैं अपने वीडियो लेसन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ सिखाने जा रहा हूँ, कुछ बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत कम यूट्यूबर से या किसी ने ये बात सिखाई होंगी। और राग पे आने से पहले इन बातों को जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो क्या है दोस्तों, राग दो प्रकार के होते हैं, एक तो पूर्वांग राग और एक उत्तरांग राग, पूर्वांग एंड उत्तरांग। तो पूर्वांग राग जो है उनका समय है दिन के 12 से रात के 12 बजे तक, और उत्तरांग राग का समय है रात के 12 से दिन के 12 बजे तक। और पूर्वांग राग की जो सीमा है वो है सा से पा तक, यानी कि सा रे गा मा पा। जैसे कि मैं सी शार्प नोट से आपको बता रहा हूँ, सी शार्प से सा से पा तक, यह है पूर्वांग राग की सीमा। और उत्तरांग राग की सीमा मा से लेके ऊपर के सा तक, मा पा ग न सा, पूर्वांग सा रे ग म प, उत्तरांग मा पा ग न सा। इन दोनों की सीमा हो गई, यानी कि आपने देखा कि मा और पा दोनों ही भागों में आ रहा है, तो माँ और पा दोनों भागों में लगेंगे ये दोनों सुर। और अब हम देखते हैं कि जैसे कि अभी कोई अभी जैसे कि अभी दोनों का टाइम 12 से दिन के 12 से रात के 12 और रात के 12 से दिन के 12, दोनों का टाइम अलग अलग है। अभी जैसे कि मान लीजिए किसी का वादी स्वर पूर्वांग राग के स्वरों में आ रहा है, तो वो होगा पूर्वांग राग। और किसी का वादी स्वर अगर उत्तरांग राग में आ रहा है, तो उनके उनका जो जो राग होगा वो होगा उत्तरांग राग। तो दोस्तों, ये हुई हमारे पूर्वांग राग और उत्तरांग राग की परिभाषा मेन। इनको जान लेना समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है, ये सीख लेंगे तो उसके बाद बहुत आसानी हो जाएगी हमारे लिए। एक तो ये चीज़ होगी, दूसरी होती है के जाति, रागों के स्वरों की जो जाति होती है वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये राग में आने वाली है, बहुत ही ज़रूरी है कि हर किसी राग की कौन कोई जाति होती है। और वो जाति होती है तीन प्रकार की, एक ऑडव ऑडव, एक शाडव शाडव और एक संपूर्ण संपूर्ण। जैसे कि सात सुर जिसमें लगेंगे वो होगा संपूर्ण संपूर्ण, यानी कि आरो नीचे से ऊपर और अवरो ऊपर से नीचे, सा रे ग म ग रे सा। यानी कि जिस राग में सातों स्वर लग रहे हैं ऊपर नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे, उन्हें कहते हैं संपूर्ण संपूर्ण जाति। और जैसे कि मान लीजिए किसी के राग के आरो अवरो में सरगम में छह स्वर लग रहे हैं, एक स्वर वर्जित है, वर्जित मतलब जिसे हम यूज नहीं करेंगे, जिसे हम गाने के टाइम में यूज नहीं करेंगे किसी भी स्वर को। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि नी, एक नॉर्मली मैं बता रहा हूँ आपको नी, इसको इसको वर्जित कर दिया, छह स्वर लग गए, तो ये हुआ साडव साडव। और तीसरा, जिस राग के स्वर पांच लगे हों, यानी कि दो स्वर वर्जित हों, दो स्वर नहीं लगे हों, वो होती है जाति ऑडव ऑडव। जैसे कि जैसे कि नॉर्मली बता देता हूँ, ये राग भोपाली के स्वर हैं, सा रे ग प ध सा सा ग प,
इसमें 500 लगे हैं, 200 भर देता, तो ये हुआ ऑड अबाउट। कभी कभी ऐसा होता है जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं यानी कि आरओ में, उसमें 500 लगते हैं, और जब ऊपर से आते हैं अबरो में तो उसमें 700 लगते हैं। तो नीचे जो जाएंगे अबरो, जो आरओ में जाएंगे उसे कहेंगे ऑड अप, ऊपर से नीचे आएंगे अबरो में उसे कहेंगे संपूर। तो ये जाति होगी ऑड अप संपूर। तो दोस्तों आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा जो दो प्रकार के राग होते हैं, पूर्वांग राग और उत्तरांग राग, और जाति के बारे में ये सब का आगे चल के रागों में इस्तेमाल होगा। मैं ये सब अच्छे से अब आगे रागों के बारे में बताने जाऊंगा, और मेरे अगले वीडियो में, अगले लेसन में रागों के बारे में बताया जाएगा। तो अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।